पुनीत, क्या आप $8 दोगे एक ब्लू टिक के लिए? और इलॉन भाई ने जो अपना अपने बिलवेड ट्विटर को टेक ओवर किया है, आपको कैसा लग रहा है सर? I still don't know how to feel about it, क्योंकि there are people who are celebrating कि free speech आ चुका finally, and other people saying कि you know the Trump will come back and he is right wing, the biggest troll of them all. Yeah, he is not center right, he is very right, and you will know in the long run. So I'm really not sure how to feel, but हमारे पास तो वैसे blue tick है भी नहीं, और अब लग रहा है कि अच्छा ही ये नहीं है, तो anonymity at least at some level. You have some alibi at the end. Next thing you know, Puneet Pania has opened like Rahul Gandhi 3.0 or something. Maybe all those 65 accounts mein do to Puneet ke hi honge. $8 is not a lot, but I don't know. I'm not sure about it. रोफल सर, आप ही दे दो अब $8 इलोन को। नहीं, मैं एक चीज तो ये कि इसमें हमारा तो कुछ, हम तो ये खेल देख रहे हैं बैठ के, हमारे पैरोडी वाले जैसे, वो मैंने एक मीम डाला था लगान मूवी में, वो अंग्रेजों को खेलते हुए देखते हैं ना गांव वाले बैठ के, तो हम उस तरह से देखते हैं। अमिताभ बच्चन आके वो भीड़ में खड़े होकर स्पीच सुनता है, हम उस तरह से, हम मतलब एक तरह से देख रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं कि ब्लू टिक हमें मिले ना मिले। लेकिन मैं इसके बारे में फील ये करता हूँ कि ये जो ऐसा जो इलन मस्क मेलन जो आदमी है, ये इसकी ऐसे कि जैसे कि किसी ट्रोल की लॉटरी लगी हो, वो वाला मतलब पैसे वाला ट्रोल है, मतलब काइंड ऑफ एग्जैक्टली या जो पास्ट है वो आप देखो, इसने क्या किया, क्या इसने बिटकॉइन कैसे सी कर दिया, देखो एक तो पहली बात इसने क्या किया, उसको चढ़ाया, उसको पूरा पंप किया, अपना जो भी सोशल मीडिया कैपिटल है इसकी, उसको यूटिलाइज करके इसने क्रिप्टो को पॉपुलराइज किया, इंडिया में भी किया, दुनिया में भी किया। जब वो आसमान पे चढ़ गया, उसके बाद वो निकाल के बोला कि नहीं यार मुझे नहीं लगता इसका कोई फ्यूचर है, निकाल के अपना पैसा डबल करके निकल लिया वो। तो यहाँ पे भी वो थोड़ा इसी तरह से बिहेव कर रहा है कि जितना पैसा उसने लगाया है इसका, ये डबल डुबल निकाल के ये निकलने की कोशिश में रहेगा बहुत जल्दी इससे पहले। तो हाँ, वो तो लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। हाँ, बोलिए। तो I don't have good vibes about it कि ये जो हो रहा है ये कर ये। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ उसके उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं बड़े वो उस कि रीच रिस्ट्रिक्ट करने वाला जो एक पॉइंट है उसका, कि ट्विटर रीच रिस्ट्रिक्ट करता है बहुत से लोगों की फ्रीविलियस ग्राउंड्स पे, वो हुआ है बहुत लोगों के साथ, इवन मेरे साथ भी कई बार होता है कि वो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में कोई कराता है, बीजेपी कराती है, क्योंकि मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उस लोकल कंट्री की सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करता है बेसिकली। ऑन वॉल अगर वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन सरकार आपकी लेना चाहती है, वो इस मामले में उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। बट उसके अलावा बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं, फिल्मी ग्राउंड्स हैं, जिनके बेसिस पे कि बहुत से अकाउंट्स की रीच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और आई थिंक वो थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे उसका लेजिट लगता है। बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो उसको चेंज करने के लिए आया है कुछ फ्री स्पीच को, वो अपना पैसा बनाएगा और निकल जाएगा। मैंने 5 महीने पहले जब ये सब कांड शुरू हुआ था ना कि ट्विटर को टेक ओवर करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया था इलॉन मस्क क्या करने वाला है उस पे, कि 5 चेंजेस क्या आएंगे ट्विटर पे एक्सेट्रा, वो न्यूज लॉन्ड्री में किया था। तो मैंने एक लाइन मतलब इंट्रोड्यूस करते वक्त मैंने इलॉन मस्क को बोला कि इज अ बिलियनर ट्रोल, because according to me, again I've been saying this right from the beginning, I don't look at troll as just in that negative form, I also look at trolls as somewhat of disruptors, right? You know, like they are not normal, they just bring in something into the picture which you're not thinking about or nobody else is thinking about, and then like try to derail the conversation but also make you think in a weird way. So I always consider Elon Musk as a troll. जैसे आपने बोला कि वो जो Dogecoin का example दिया आपने, जो उसने pump and dump कर दिया उसको, that is a very troll thing to do. He was just trolling the financial system. So everybody was like, ये क्या कर रहा है आदमी, पागल हो गया है। तो but at the same time I'm also thinking what Puneet said about Kunal, right? Kunal के अंदर एक prankster बच्चा है. I feel like he is a prankster. To a large extent, he's just pranking humanity, and he has a lot of money to do it. Maybe that is one way to look at it. Puneet, any closing thoughts? But then, by that logic, आपको लगता है कि वो अपने को Mars बोल के लेके जाएगा, and then he'll dump you on some other planet saying, आपको ट्रोल कर दिया, बेच।